श्वेता आप बताओ। पहली मुलाकात हुई थी हमारी एक प्ले है दी इंटरव्यू करके, आकर्ष खुराना ने जो डायरेक्ट किया है और सिद्ध कुमार ने लिखा है। तो हम लोग दो एक्टर्स को रिप्लेस कर रहे थे जो उनके पास डेट्स नहीं थी, तो दिल्ली में शो था और हम आए रिहर्सल पे मिले और फिर दिल्ली गए। तब तक तो अब क्या होता है कि पाँच साल पहले तो होता क्या है कि आप हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था रिहर्स करने के लिए, तो इसलिए जो भी टाइम मिल रहा था मैं करण पंडित जो कि प्रोटैगनिस्ट प्ले करते हैं प्ले में, तो उनके साथ रिहर्स कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, खाना हम लोग खा रहे थे साथ में। देन फाइनली जब टेंशन जब ख़त्म हुआ, जब प्ले ख़त्म हो गया एंड देन उसी के नेक्स्ट दिन हम सुबह बॉम्बे आ रहे थे, और बॉम्बे आते ही आते समय चीता और मैं, हमारी जो सीट्स थी वो आजू बाजू थी, और प्लान ऑब्वियसली सबका ये था कि सब सो जाएंगे क्योंकि 5 AM की फ्लाइट थी सुबह की, और मैं तो हमेशा फ्लाइट में सो जाती हूँ। आई डोंट इवन रिमेंबर कि वो पहली बात क्या थी, पर हमारी बात होना स्टार्ट हुई एंड फॉर सम रीजन फिर अगले 2 घंटे तक हम सिर्फ बात ही चल रही थी। और इनफैक्ट आई रिमेंबर आकर्ष हमारी बगल वाली आइल सीट में बैठे हुए थे दूसरी मतलब, और उन्होंने खड़े होकर बोला कि यार तुम लोग कितनी बातें करोगे, एंड वी बोले हाँ 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 एंड देन वी गॉट बैक टू टॉकिंग। तो नॉन स्टॉप उन 2 घंटों बाद मुझे ये पता था कि मुझे ये चैतन्या शर्मा चीता मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ का पार्ट हूँ। हाँ मतलब कैसे नहीं पता था पर ये पता मुझे था तो कि नहीं पता है कि लाइफ का पार्ट तो चाहिए। तो फिर बातें स्टार्ट हुई मैसेजेस पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, और फिर ड्राइव्स हुई। प्रपोज हमने मैंने किया था दोनों बार लड़कों को करना चाहिए, नहीं कर कोई भी सकता है लेकिन नहीं करना लड़कों को चाहिए, क्योंकि आई थिंक एक परमिशन लेना चाहिए लड़की से हमेशा कि आपको मंजूर है, मैं ठीक हूँ। अपने को भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है ना हाँ बोलने का कि चलो रिपोर्ट कार्ड चाहिए होता है, तो वो रिपोर्ट कार्ड मैंने ही मांगा था कि आप कि पास। तो एक्चुअली हमारा थोड़ा अजीब था प्रपोज, श्वेता ने मुझे बोला बहुत कि मुझे अच्छे से प्रपोजल चाहिए, कि मुझे कुछ चाहिए मतलब कि मुझे पूछो ठीक से क्रिएटिव, कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि हम बाहर जाएं डिनर पे और आप मुझसे पूछो और हाँ, किसी रेस्टोरेंट में कर दिया या फिर। तो मैं बहुत सोचा और इनके आइडियाज़ ये सब रोमांटिक मामले में बहुत हिट हैं, तो मैंने बोला देखो आप मेरे से बेटर ही सोचोगे तो आप सोच लो, कुछ अच्छा आया तो मुझे बता देना। तो एक दिन इन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना मुझे लग रहा है कि रोलर कोस्टर पे प्रपोज अगर होएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है, और फिर वो बात ख़त्म हो गई। मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया कि इनको इमेजिका लेके जाऊँगा, फिर पुणे लेके जाऊँगा NH7 के लिए। वो सरप्राइज़ का बहुत जामा हो गया, पर हाँ मैंने प्रपोज इनको किया एक रोलर कोस्टर के ऊपर नीचे जाने से जस्ट पहले, और उनका जवाब ये था ना हाँ था ना था, यही था बस। नहीं इन्होंने बोला कि मैं इनको जानता नहीं था, ये मुझे जानते नहीं थे, सीधे मार रहे नीचे से। तो तीन दिन बाद अरे हाँ बड़े मजाक के तीन दिन बाद इन्होंने मेरे से पूछा कि वेयर डू यू थिंक दिस रिलेशनशिप इज गोइंग। मैंने कहा ना जान ना पहचान मुझे क्या पता यार, थोड़ा टाइम तो दो। फिर एक मेरे दोस्त की शादी थी, ये दिल्ली में थे, 4 साल बाद दिल्ली में नहीं थी, मैं टॉयफा में गए थे। टॉयफा अवार्ड्स उठाने दुनिया भर जाते हैं हमारे टैलेंटेड एक्टर श्वेता त्रिपाठी, तो ये टॉयफा गए थे और मैं एक दोस्त के शादी पे था, ध्रुव अग्रवाल मेरा बहुत ख़ास दोस्त है, वो शादी पे मैंने बहुत मस्ती की, और सुबह 5 बजे मेरे को एक ख्याल आया कि यार इस लड़की से मुझे शादी करनी है। सुबह 5 बजे ही ऐसे ख्याल आते यूजुअली आप अगर देखो तो कोई पार्टी पे कोई शादी में। तो मैंने सोचा कि ये मतलब मैं बहुत इनको मिस कर रहा था, ये थे नहीं मेरे सारे दोस्त थे, तो मैंने इनको फ़ोन किया इंटरनेशनल कॉल, और मैंने कहा मैंने इनको कह दिया कि आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ प्लीज़। और ये ऐसे ही हसरत, मैं बहुत खुश थी मतलब बहुत एक्साइटेड थी, मुझे लग रहा था कि अरे मैं बॉम्बे में क्यों नहीं हूँ जब ये हो रहा है। आई थिंक मेरे लिए जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है किसी भी इंसान में,
चाहे आपका दोस्त हो या फिर आप ऑन स्क्रीन किसी को देख रहे हो, इसकी उसकी वाइब क्या है। और अगर लाइफ पार्टनर तो फिर अलग ही चीज़ हो जाती है, बिकॉज आई थिंक अगर आप खुश नहीं है तो किसी की भी आँख नाक पैर आपको नहीं बचा सकता। क्या बात। तो मेरे लिए वो जो फ्लाइट जो दिल्ली टू बॉम्बे थी, मुझे यही याद है कि अभी भी जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में तो मुझे मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि आई रिमेम्बर इतना मज़ा आया था उन दो घंटों में। और ये भी नहीं कि हम कहीं घूम के हमने कुछ तारे वारे देख लिए, हम फ्लाइट में थे जहाँ पे हम कहीं एक स्टेप भी नहीं लिया था, दो लोग सीट में। इंडिगो सो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एंड क्योंकि ये सब तो हम वी आर बॉर्न विद, आपके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, अब चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों या एवरेज हों, और सर्जरी वर्जरी वहाँ बिलीव नहीं करता। तो आई थिंक एक जो पर्सनालिटी होती है, वाइब एक इंसान की होती है, वो सबसे ज़रूरी होती है। एंड आई थिंक मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे भी है कि जब भी हम किसी, अगर जैसे आप कह रहे हैं अगर लड़के की भी बात हो, तो आई डोंट थिंक कभी हम फिजिकल फीचर्स डिस्कस होते हैं, या तो टैलेंट या फिर अगर कोई शेफ़ है तो वो खाना क्या क्या बनाता है, कैसे बना सकता है, तो अगेन घूम फिर के टैलेंट और पर्सनालिटी पे ही बात आ जाती है। शादी के अलावा और क्या कुछ करने वाले हैं आप गोवा में? शादी के अलावा कुछ करने का आपकी हुई नहीं है ना, आपको पता चलेगा कि जब शादी होती है ना, अलावा का स्कोप दिया नहीं जाता, वो उसमें ही बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि काफ़ी फंक्शंस हैं, रोज़ 3-4 फंक्शंस हैं, बहुत पार्टीज़ हैं, तो उसमें ही हम उलझे हुए रहेंगे और उसमें ही मज़े कर। हम एक दिन और स्टे बैक कर रहे हैं जिससे कि शादी के बाद एक दिन। हाँ। के दीवाने हैं, फुटबॉल मेरा पहला प्यार है, बिल्कुल। यार वो टाइमिंग का वो हो गया क्योंकि मैडम जी का शूट है शादी की जिस बार, तो हम एक महीना के बाद जाएंगे, तो वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो रहा है जुलाई मिड में, तो वो तो नहीं देख पाएंगे, बट हम फुटबॉल देख रहे हैं लंदन में, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनम, मैनचेस्टर में हो रहा है यूनाइटेड वर्सेस टॉटनम, बहुत बड़ा मैच है, तो हम वील एंड हनीमून इन मैनचेस्टर।